एक आप नई बात बताऊंगा, मनु कुमारी आगे ना बताई। मैट्रिक में मैं पेपर दे आ गया, वो बोला किसी पेपर हो माँ बाबा पेपर तो कमल हो सबका खराब होया। शाम में कितने नंबर लेने पड़े, मैं 50 नंबर 150 नंबर न 50 आ जाए तो कौन सा डिवीजन आओ, मैं फर्स्ट आओ न सट्टे मारे, सट्टा मतलब झूठ बोल रहा है जी। न बोला मैं पर 50 नंबर ना आओ मैथ में, 15 नंबर का हो गया। ए पेपर सारा जीरो, मैथ अलजेब्रा बी में थ्योरम कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज ये थी। मैं बोला वो 15 नंबर की एक्सरसाइज वो कंस्ट्रक्शन ठीक से, अब मैं बोला 15 नंबर दे ऊपर तो ना हो फैल हो गए, जब ऐसा रूल था एक सब्जेक्ट में फैल फैल। तो मन ने बोला आ जाएंगे 50 नंबर भी आ जाएंगे, 55 भी आ जाएंगे, फालतू भी आ जाएंगे, मेरा थर्ड डिवीजन आओगा। मन्ना बाबा ने बोला बस थर्ड डिवीजन आओगा और 20 आगे फैल और 22 पास फैल, 2,22,077 नंबर है मेरा जी रोल नंबर था वो। 20 आगे फैल और 22 पास फैल और थर्ड डिवीजन। वो मन्ना ने विचार किया, मैंने कई चटक देखे ना, चटक देखते देखते जब मैंने देखे माँ भाई तो बाप आ गया और कम से, और मैं खुद पेपर कर कह रहा जब ने देखे माँ बोला भाई अलग अलग किस्म की बात थी। हम खेत में देखने लगा लग रहे और हमारा स्टूडेंट को विरोधी था वो मिल गया, ने बोला रहा रिजल्ट आ गया न तेरा आगे तो आगे पास घड़े फैले तू पास हो गए ना थर्ड डिवीजन से। माँ भाई बताओ ये था महाराज जी, तो वो जो हम इसलिए जो देखे अब मैं बोला जी न्यू क्यों कर देगा 50 नंबर मेरी महाराज जी कई वो हो जाती है जी, हनुमान की मत नहीं बाबा जी आगे कोई बोल पड़े जी। न मास्टर ने मिला अपना इससे बड़ो से न मिला मास्टर नहीं तो बैठ जाए बता ला लेगी दे देगा अपना नंबर। महाराज जी की ऐसी बात ये महाराज जी की ऐसी बात कहता लठ बन जा जी, महाराज जी की तो ऐसी बातें है न्यू कहता भाई हम बतावा हुआ करियो हम कहा हुआ मना करियो। तो वो उसकी तो उधर खुद ही खुदा है, खुद खुदा खलक खुदा उसकी ऐसी बातें। और मेरे को दिया उसने इतना दुख देकर राज दिया कोई बड़ी बात थोड़ी है। महाशय बलबीर का मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात का मतलब कोष मानी है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा होया, हम के सत्यवादी है नहीं देखो एक बात जी, वो तो हमारे महान थे जी। राजा हरिश्चंद्र था, सुभाष चंद्र बोस था, सर छोटू राम था, जैसे अलगपुरिया साधु राम था, मनु भाई थे, जो बड़े बड़े तुलसीदास जी हुए, महात्मा गांधी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ, ये तो हमारे उस बात के पूर्वज हुए ना जी। पर मारे को राजीव गांधी क्यों बताए महाराज जी ने, राजीव गांधी तेरा राजनीति गुरु है, राजीव गांधी का सिफारसी बताओ अरे का परिवार ले गए वो ले जाने तेरे। यद को घनी बड़ी सी बात ना मेरे लिए, राजा हरिश्चंद्र ने 3G बेच का अपना टाइम पास कर लिया था, 3G नहीं बाजार में बेकर 3G बेच दीजिए मेरा तो मैं इस गांव ने बेच लू जब भी पढ़ना ना छुट्टे, इतना भारी सरपंच बोझ है वो तो सारा। और देख ले मेरे तो दिमाग में यह बात रहे है वहां वह अमरीका ने छेतांगे तो उस बात के लिए फिर बाबा जाट हैं, अरे हरियाणा के जाट तो कितना का भी सब बराबर है, पर हमारी एक वो देश वाली बेल्ट है भाई, बाकी मैं सभी को बराबर मानता हूँ पर हम भाई सुपीरियर हैं, हमारी एक अलग किस्म की भाषा है। अरे तो देखे हमने न खोला गए ना फटे गिर के डोके चढ़ गए, हम बालक से मारे यो के लफज है ना रोला मोला तो ना बेरा है, 50-50 आदमी आखन बाहर दे अगर कोई बात बूझ लेते तो धक्का दे देते चलो एक तरफ तो रोला कर रहे हो। और बड़े उबड़ खबड़ आदमी थे पढ़े थे, कभी प्योरोत की भाषा बोल रहा हम तो वो भाषा देखी उस भाषा को पढ़ता हमने,
फरमाया। देखो इंसान को हमने बताओ तो दूध और लस्सी वाली लड़ाई, हाँ दूध और शीत की लड़ाई हो आ गई। हाँ वो कई बन्यू नहीं कह देते, दूध और रोटी ले लेते वो, और भाई कहते शीत क्यों ना लिया। माँ बोला रहा संतोषी माँ का पड़ती हूँ, बीमार हो जाऊंगा मैं। महाराज जी ने कहे शीत पीने से दिमाग खसड़ हो जाता है। शीत जो खेत जो दुनिया का पेट भरा है, धरती का पेट पाट के जो घी रोटी खास है वो लस्सी पीस के है। पढ़ा लिखा आदमी सो मैं पढ़े ने क्या, मैं पढ़ा लिखा तू छठी में पढ़े सातवीं पढ़े ने पास मैं बोला पढ़ा लिखा आदमी नहीं पिया रसी। और मैं बोला जाट आइए सो लो और मंत्री हो लो और रोटी खा बने बताओ एक वो लस्सी लाओ ना जीरा डाल के। मेरे को महाराज जी ने स्पेशल बताई ना लस्सी नहीं पीऊँ दिमाग खटल हो जाए। फिर मैं कह देता मैं बोला भाई मैं दूध गल चौदह पुड़िए तो दूध गल रोटी खाँ तो जो मुंडा कौन मां फिर कौन बूझा था धक्का दे देते चलो और रोला कर कई बाबू और भाई थे कई मेरे और थे कई तरह का सौदा था। फिर हमने इस बात को देखा ना फिर मां बोला भी तो सर दे दिया खुरमुसल देखे और कति तल कोई उदाहरण है ये पूछ रहे को रेशम के मोदी करता मेरा दिमाग में भी नहीं बिके भी जो सन कुछ है एक वो समान बढ़ दे तू भी नाम दो भी नाम और कति इस बात के महाराज जी का राज होना है महाराज भी संजीव हम तो उसका प्रतिनिधित्व करेंगे जी मारी दो नहीं करते बाबू की तो बाल बाल से मारा कुछ ये तो सच्ची से जब दिखे भी झूठी से जब भी दिखे झूठी से तो मारी से और सच्ची से तो महाराज जी। माशे जी बहुत बहुत मजा आया और आपकी बातें सुन के आनंद आया और मुझे लगता है कि हम सारा दिन बात कर सकते हैं। हाँ महाराज मैं तो आपको बात बताऊँ सुबह मैंने एक रोटी होगा घी में खाता हूँ और दूध पीता हूँ मैं इस आदमी हूँ 48 घंटे बोल सकता हूँ तो वही मैं आपको कह रहा हूँ हम तो पूरा दिन भी दूध रोटी तड़के भी दन मचा पीता हूँ एक संतरा खाता हूँ पपीता और कुछ नहीं संतरा और पपीता तो मैं इसलिए कह रहा हूँ मन में जो दुख होता है यो राज कोई बड़ी चीज नहीं मेरे लिए यार जब किसी दौर को चीज मांग ली तो वो बढ़ गया। बिल्कुल वो मिसाल दी है माँ तो चौथी चौथी ना हंड है बेटा बेटोड़े के बेटोड़े फूके है वो इंग्लिश की कवावत नहीं है मैन प्रोपोजिस गॉड डिस्पोजिस बंदा जोड़े पली पली राम रोडाए कुप्पा तो बहुत ही धीरे चलने का काम है। वो कहते नहीं हिज टू विक टू वाक धीरे चलो ऐसा ना हो कहीं गिर जाओ। तो बहुत ये तो बावड़े आदमी समझे नहीं इस काम में इतना जान आदमी है घी खा के सीत पी लेते हैं जमींदार भी समझ समझो गम वाले आदमियों के लिए मोहलत है गम वाला ये काम करूँगा मैं ज़्यादा गाँव वाले आदमी बढ़िया हैं गाँव वाले तो ओबलाइज करेंगे आ जाओ भाई ओका भरेंगे चाय पियाओगे रोटी खुआओगे गाँव वाले तो सब भले आदमी हैं शहर का आदमी बदमाश है फिर शहर का आदमी तो वैसे ही भूखा है यार हमने देखा गाँव वाले आदमी भले ये इस बात के लिए ये को मैं आपको राहुल जी एक आत्माई बात बता रहा हूँ ये को वो नहीं है ये बड़ी बात नहीं है माशी बलबीर का मुख्यमंत्री बनना प्रधानमंत्री बनना राष्ट्रपति बनना मैं को वो नहीं है मतलब बिल्कुल भी इस बात के लिए न रुकड़ियों का अवतार होया राजीव गांधी को राजा राम की सिंह आदि इंदिरा गांधी को महाराज जी ने आदि शक्ति बताया मेरे को तो मेरा गांव ने गाड़ी भेंट करी 5 गाड़ी और भेंट हुई न रुको भी ना हुई भेंट मधुबी काल न मन जब बनाऊंगे जो जो देखना तूफान फिर अगर मैं काम ना करूं अपना पेट तो सूरी भरे है मैंने तो काम करने पड़ेगा नुका जब नाम होगा दुनिया में नाम होगा जब भलाई होगी जब नाम होगा मतलब काम करूंगा भाई दूध आलेगी तो लात भी उठ जा बुढ़े कहा अगर देने दूध आलेगी लात भी उठ जा किसा ना दमका कहेंगे तो काम तो करना पड़ेगा ये जाटते इसी से तू काम मना कर बाण गई इसी तीसी कालता ही तो न्यू था ये जब कह देंगे
जाट का यो कहे भाई जाट के तना शर्माओ खत्ता शर्माओ। जाट जो है ना वो ओडमा खामर है, ओडमा कैसे खामर है, जाट की तो कई मिसाल है। मैं तो बहुत ही इस कौम को बहुत पवित्र मानता हूँ, पर हमारा एक है हमारी कौम का भी ब्राह्मणों को जरूर मानना। ये आपका मैसेज था सबके लिए? हाँ सबके लिए।